हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कॉइन स्विच। पिछले हफ्ते कॉइन स्विच ने धमाल मचा दिया है क्योंकि हमने एक साथ 30 से ज़्यादा कॉइन्स लॉन्च करके 200 से भी ज़्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स लाइव कर दिए हैं। जी हाँ, अब आप जाके इन क्रिप्टो कॉइन्स को कॉइन स्विच प्लेटफॉर्म पर बाय और ट्रेड कर सकते हो। अब आज की इस वीडियो में मैं उस लिस्ट में से 4 कॉइन्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से बनाई गई है, तो किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड करने से पहले प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला कॉइन डॉग्स। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में है डॉग्स। इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुन तो लिया ही होगा जी, सोशल मीडिया पर हर जगह इसकी बात हो रही है। डॉग्स टॉन ब्लॉकचेन पर बना एक मीम कॉइन है जो कि मेनली टेलीग्राम यूजर्स के लिए बनाया गया है। अब हर मीम कॉइन की तरह ये मीम कॉइन भी स्पॉटी नाम के मीम कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है जिसे टेलीग्राम के जाने माने सीईओ पावेल डुरोव ने बनाया था। इस मीम कॉइन के यूजर बेस अभी 50 मिलियन से ज़्यादा टच कर चुके हैं और इसी के साथ ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डॉग थीम मीम कॉइन बन चुका है। और हैमस्टर्स कॉम्बैट और टैप स्वैप के बाद ये टेलीग्राम का सबसे वायरल मिनी ऐप भी बन गया है। डॉग्स की टोटल सप्लाई 550 बिलियन टोकन्स की है और इसमें से 93.95% कॉइन्स अभी सर्कुलेशन में है। डॉग्स का मार्केट कैप ये वीडियो बनाते वक्त 583 मिलियन डॉलर्स का था और ये क्रिप्टो रैंकिंग में 95th रैंक पर है। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है सन। sun.io ट्रॉन ब्लॉकचेन पर बिल्ड एक क्रिप्टो प्रोटोकॉल है जो इंटीग्रेटेड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का एक सिस्टम क्रिएट करता है जिस पर काफ़ी सारे यूजफुल फीचर्स होस्ट होते हैं, जैसे कि मीम कॉइन सपोर्ट ऑफर करना या लिक्विडिटी माइनिंग, टोकन स्वैप्स वगैरह वगैरह। इस टोकन की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इसे ट्रॉन के क्रिएटर जस्टिन सन ने ही क्रिएट किया है। चलिए अब इसकी टोकनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो सन एक TRC20 चेन जो कि ट्रॉन ब्लॉकचेन पर बिल्ट है और इसकी टोटल सप्लाई 19.9 मिलियन टोकन्स की है। सन एक डिफ्लेशनरी मॉडल को फॉलो करता है जिसके चलते अभी तक 2 मिलियन टोकन्स बर्न भी हो चुके हैं। तो सन का मार्केट कैप वीडियो शूट करते समय 339 मिलियन डॉलर्स का था और क्रिप्टो रैंकिंग में ये 143rd रैंक पर है। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है बनाना गन। तो बनाना गन एक क्रिप्टो ट्रेडिंग टूल है जो कि दोनों ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रेडिंग ऑप्शंस ऑफर करता है वाया अ टेलीग्राम बॉट। इट इनेबल्स यूजर टू एफिशिएंटली इंगेज इन ऑन चेन ट्रेडिंग, फीचरिंग कैपेबिलिटीज सच एज ऑटो स्नाइपिंग फॉर न्यू टोकन लॉन्चेस एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट कॉमन रिस्क लाइक रग पुल्स। बनाना गन के टोकनॉमिक्स को देखें तो इसकी टोटल सप्लाई 8.7 मिलियन टोकन्स की है जिसमें से 34.33 टोकन्स अभी सर्कुलेशन में है। बनाना गन का मार्केट कैप 129 मिलियन डॉलर्स का है और क्रिप्टो रैंकिंग में ये 274th रैंक पर आता है जब हमने वीडियो शूट किया। आखिरी टोकन मेरी लिस्ट में है पॉपकैट। तो पॉपकैट भी एक मीम कॉइन है जो कि वायरल इंटरनेट मीम फीचरिंग अ डोमेस्टिक शॉर्ट हेयर्ड कैट नेम्ड ओटमील से इंस्पायर्ड है। पॉपकैट सोलाना ब्लॉकचेन पर क्रिएटेड मीम कॉइन है जो कि कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं रखता है लेकिन कम्युनिटी इंगेजमेंट और स्पेकुलेशन से इसकी वैल्यू ड्राइव होती है। पॉपकैट की टोटल सप्लाई 979 मिलियन टोकन्स की है और ऑलमोस्ट सारी ही अभी सर्कुलेशन में है। पॉपकैट का मार्केट कैप 570 मिलियन डॉलर्स का है और ये क्रिप्टो रैंकिंग में इस समय 97th रैंक पर है। तो दोस्तों ये थे वो सारे कॉइन्स जो मेरी लिस्ट में थे और जिन्हें आपको भी कॉइन स्विच ऐप पर जाके चेक करना चाहिए। अब जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले आपको अपनी रिसर्च को कर लेना चाहिए। तो गाइज प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड सी यू नेक्स्ट वीक। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.